दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल नियुक्ति पत्र, बिल्कुल अगर देखा जाए आप सभी का जो नियुक्ति पत्र का मामला है वो बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है। लगातार अभ्यर्थियों की प्रबल इच्छाएं हैं कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट में फाइनली हमारी सुनवाई 8 अप्रैल को लगी हुई है तो क्या वो सुनवाई हमारी होगी या नहीं होगी। यहाँ देख सकते हैं इसी सुनवाई को लेकर अभ्यर्थी तमाम जगहों पर अपने अपने जिले में विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो सेम वही मुद्दा सीएम योगी को सौंपा ज्ञापन, जाहिर सी बात है कि कहां कैसे ज्ञापन सौंपा गया है बिल्कुल हम आपके बीच में बताएंगे। यहां देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वर्तमान समय की अपडेट क्या है, उसके नीचे देखिए मुख्यमंत्री जनता दरबार। लगातार आप सभी ये भी पूछ रहे हैं कि भैया आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जनता दरबार कार्यक्रम लगता है वो कब कहां कैसे लगेगा, बिल्कुल इसके संदर्भ में भी हम बताएंगे। और यहां सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है 8 अप्रैल को फाइनली सुनवाई आपकी लगी हुई है, तो 8 अप्रैल से पहले पहले सुनवाई कराने की बात आप कह रहे हैं कि हम लोगों की सुनवाई 8 अप्रैल से पहले हो जाए तो बेहतर है। तो क्या ऐसा हो है कि 8 अप्रैल से पहले आपकी सुनवाई हो जाए, होगी कैसे? आप अर्जेंसी की जो मांग कर रहे हैं, अगर अर्जेंसी आपकी एक्सेप्ट होती है तो ऐसे कंडीशंस में आपकी सुनवाई जो है 8 अप्रैल से पहले हो सकती है। अगर अर्जेंसी नहीं लगती है तो आपका जो डेट फिक्स किया गया 8 अप्रैल इसी डेट को आपकी सुनवाई होनी है। तो उसके नीचे देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता का बयान है, आखिरकार अर्जेंसी लगेगी या नहीं लगेगी, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, हम आपको एक अपडेट्स दिखाना चाहेंगे। देखिए ये अपडेट्स, हालांकि अगर देखा जाए तो इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं और आप सभी इस चीज से वाकिफ हो चुके हैं, ये कल की जो है ज्ञापन सौंपने की मुहिम है। यहां देखिए आज विभिन्न तरह के अभ्यर्थी जो है अमरोहा जिले की अपडेट मैं आपके बीच में प्रोवाइड कर रहा हूं। कहा जा रहा है उच्चतम न्यायालय में भर्ती पर लगे स्थगन आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है, यहां से देखेंगे, अमरोहा प्रदेश में जो है लेखपाल मुख्य परीक्षा के परिणाम के तहत 7,897 सबल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पर हो रहे विलम्ब को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन अमरोहा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर को सौंपा है। आगे कहा जा रहा है, ज्ञापन में उन्होंने उच्चतम न्यायालय में भर्ती पर लगे स्थगन आदेश को निरस्त किए जाने के साथ असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 7,897 सफल अभ्यर्थियों को जिला प्रशासन में नियुक्ति प्रक्रिया के तहत जो है तहसील आवंटन कर दिया था, जिसका नियुक्ति जो है पत्र वितरण समारोह प्रधानमंत्री द्वारा 23 फरवरी 2024 को रोजगार मेला मेगा शो में वितरित किया जाना था, लेकिन उक्त कार्यक्रम उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार स्थगित कर दिया गया, जिसका लाभ कुछ असामाजिक तत्व उठाकर चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती लटकाने की धमकियां सोशल मीडिया पर देते हैं, असफल अभ्यर्थियों को नौकरी का प्रलोभन देकर धन उगाही का काम करते हैं, जिससे चयनित अभ्यर्थी मानसिक अवसाद का शिकार बन रहे हैं। यह असामाजिक तत्व राज्य सरकार के सभी भर्तियों को लटकाने व सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की छवि जो है छात्र विरोधी बनाने के लिए जो है कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि लेखपाल भर्ती के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उच्च न्यायालय में लंबित सभी मामले निस्तारण के अनुपालन के जो है समस्त मामले निस्तारित किए जा चुके हैं। शासन के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में जो है भर्ती को लेकर लगे स्थगन को निरस्त करते हुए चयनित लेखपालों के पक्ष मजबूती से रखकर हितों की जो है रक्षा करने के साथ हैं, असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध जो है कठोरतम कार्यवाही किया जाए, इस दौरान जो है इतने लोग मौजूद रहे। तो फाइनली यहां पर आपने देख लिया, आप सभी के द्वारा जो है लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं उनको जो है उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन सौंपा गया है या भेजा गया है, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर ये काम आप कर रहे हैं तो ये आपका काफी काबिले तारीफ है, ठीक है। आप जितने अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जितने लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका उनका तो प्रबल दायित्व बनता ही है कि आप इस ज्ञापन सौंपने की मुहिम को बिल्कुल तीव्र कर दीजिए, ठीक है। आप अब बड़े स्तर से धरना तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन को सौंपें। और देखिए कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में अपडेट यह है कि
जो आप अर्जेंसी की मांग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपडेट की अगर हम अर्जेंसी से लगाएं तो अर्जेंसी आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। ये सूचनाएं मिल पा रही हैं और 99% ये उम्मीद भी है कि अर्जेंसी आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। आपकी जो फाइनल सुनवाई की डेट मिली है 8 अप्रैल, इसी डेट को फिक्स है, आपका मामला 8 अप्रैल को ही सुना जाएगा। मुख्यमंत्री जनता दरबार आप पूछ रहे थे, फिलहाल के लिए अगर इसके संदर्भ में कहीं भी जनता दरबार कार्यक्रम लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिस जिले में जनता दरबार कार्यक्रम लगेगा, प्लीज उस जिले के अभ्यर्थी जो है सक्रियता बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर जो है मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम में जो ज्ञापन सौंपने की मुहिम है उससे आप आगे बढ़ाएं, ठीक है। और यहां देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता का बयान भी यही है कि अर्जेंसी की मांग ये भी लगातार कर रहे थे कि अर्जेंसी लगाकर मामले को पहले सुना जाए, फिलहाल के लिए यह भी लगातार निराश हताश है, अर्जेंसी की मांग आपकी स्वीकार नहीं हो रही है। हालांकि और भी जो सूचनाएं हैं लगातार इसके संदर्भ में सूचनाओं को कलेक्ट किया जा रहा है, जैसा भी होगा हम चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। बाकी आप 8 अप्रैल को मानकर चलिएगा, 8 अप्रैल को फाइनल आपकी सुनवाई होना बिल्कुल सुनिश्चित हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।